वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन. हाँ जी बताओ, पहले तो आप कौन कौन से स्टूडेंट्स जो सेकंड ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अभी सेकंड ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब इंटर में सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं. अच्छा, और फाइनल का कौन था कोई, जो मतलब सीए अभी मतलब ऑडिट फाइनल के रिगार्डिंग जो आए हैं, जो सीए फाइनल के ऑडिट के रिगार्डिंग आए हैं. ओके चलो अब हम डिस्कस करते हैं. देखो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंटर का डिस्कस करूंगी, उसके बाद हम फाइनल ऑडिट पे चलेंगे. देखो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम क्या रहती है कि आपने सुना होगा कि देखो आपके ग्रुप टू में फोर सब्जेक्ट्स हैं. एक हो गया आपका एडवांस अकाउंटिंग, एक आपका कौन सा हो गया एडवांस अकाउंटिंग, एक क्या हो गया एडवांस अकाउंटिंग. सेकेंड कौन सा सब्जेक्ट है आपका ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस. सेकेंड कौन सा है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस. थर्ड सब्जेक्ट कौन सा है जिसके लिए अभी तो सर ने इतनी देर डिस्कशन किया, जिस सब्जेक्ट पे, वो कौन सा है ईएएस एसएम. और लास्ट आपका क्या है एफएम एंड इको इन फाइनेंस. देखो आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अकाउंटिंग और एफएम इको में तो मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन ऑडिटिंग एंड ईएएसएम में मार्क्स लेने में स्टूडेंट्स को क्या आती है प्रॉब्लम. अब ईएएस में कैसे मार्क्स आएंगे इसके लिए तो सर आपके साथ बहुत बड़ी क्या कर चुके हैं, अप्रॉक्स 2 आवर्स की सर क्या कर चुके हैं डिस्कशन कर चुके हैं. देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, आपने देखा होगा कि आप बहुत पढ़ते स्टूडेंट्स फिर भी वो कहते हैं कि हमारे क्या नहीं आए मार्क्स. तो इसके पीछे क्या रीजन है कि मार्क्स क्यों नहीं आते. देखो एक तो स्टूडेंट्स की क्या गलत होती है, अप्रोच गलत होती है. बच्चों की क्या अप्रोच होती है, जैसे मैंने काफी देखा है जो स्टूडेंट्स की अप्रोच होती है कि हम अकाउंट्स को तो किसके लिए प्रिपेयर करेंगे एग्जम्पशन के लिए, एफएम इको को तो किसके लिए प्रिपेयर करेंगे एग्जम्पशन के लिए, ऑडिटिंग और ईएएसएम में 40-40 ले आएंगे. होता है ये अप्रोच आपकी. देखो आप अगर आपकी अप्रोच ही गलत है, आपकी क्या गलत है. देखो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो स्टूडेंट है ना वो बैट्समैन है और आईसीआई क्या है बॉलर. वो कैसी बॉल गिरती है आपको इसका बिल्कुल भी अंदाजा, यू कैन नेवर प्रिडिक्ट कि आईसीआई कौन सी बॉल गिरने वाला. अकाउंट्स का पेपर तो बना दिया बहुत टिपिकल, और मान लो ऑडिटिंग का पेपर बना दिया बहुत ईजी. प्रिपेयर किसके लिए किया था अकाउंट्स, वहां 60 की जगह पर क्या आएंगे 40 जब पेपर ही टिपिकल आ गया. और ऑडिट में प्रिपेयर ही किसके लिए किया था 40 आएंगे कितने 20. पहले तो आपकी डेस्टिनेशन क्या है, मतलब गोल क्या है उसको सेट करो. अगर आप गोल ही गलत सेट करें कि 40 आएंगे, अज्यूम ही कर रहे हो कि लाएंगे 40 तो आएंगे कितने 40 तो आएंगे नहीं. एक देखो जो कहते हैं ना गाड़ी चालक, एक ड्राइवर है गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चला रहा है तो क्या है वो तेज चला रहा है. अगर उसका पाथ ही गलत है, उसको जाना है पुणे जा रहा है चंडीगढ़ वाली साइड, क्या कभी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएगा. जितनी मर्जी गाड़ी तेज चला लो, जितना मर्जी पढ़ लो, जब तक क्या नहीं सही अप्रोच, जब तक क्या नहीं सही. आपको ईच सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है. प्रैक्टिकल थ्योरी वाली बात तो माइंड से ही निकाल दो, क्योंकि आईसीआई क्या पूछ ले यू कैन नेवर प्रिडिक्ट. तो आपको चारों सब्जेक्ट को सबसे पहले क्या देनी है इक्वल इंपॉर्टेंस. कौन सा पेपर टफ आ जाए, कौन सा पेपर इजी आ जाए, यू कैन नेवर प्रिडिक्ट. और आईसीआई जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, देखो मैं हमेशा बोलती हूँ दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं होलसेल क्वेश्चन और एक होते हैं रिटेल क्वेश्चन. जब मैं अपनी नॉर्मल क्लास में डिस्कस करती हूँ तो हम क्या डिस्कस करते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक कौन से होते हैं होलसेल और एक कौन से होते हैं रिटेल. आपने एक टॉपिक किया होगा मेथड टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस, इंक्वायरी इंस्पेक्शन रीपरफॉर्मेंस रीकैलकुलेशन, याद आ रहा है कुछ ऐसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन. अब क्या पूछ लिया, इंक्वायरी एज एन मेथड टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस एक्सप्लेन. देखो अगर होलसेल क्वेश्चन पूछ लिया मेथड टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस, फिर भी हमें पता है इंक्वायरी इंस्पेक्शन हमने लिख दिया, हम खुश हैं कि हम पेपर कराए. अगर क्वेश्चन पूछ लिया रिटेल, इंक्वायरी एज ए मेथड टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस एक्सप्लेन, तो जब रिटेल में क्वेश्चन आ जाते हैं ना पर्टिकुलर एक पॉइंट भी क्वेश्चन, दैट इज द प्रॉब्लम. बिकॉज इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन रिटेल यू मस्ट नो इन डिटेल. आई ऑलवेज से इन द क्लास इफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन रिटेल यू मस्ट नो इन डिटेल, बट वी आर नॉट गोइंग इन द डिटेल कुछ भी. और आजकल जो क्वेश्चन है आपने देखा होगा 3 मार्क्स 4 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स, तो रिटेल क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं. 3 मार्क्स में रिटेल क्वेश्चन इजिली पूछे जा सकते हैं, जहां आईसीआई को 5 लाइन्स भी दिख गई ना, दैट कैन बी द क्वेश्चन. तो
आपको अपनी अप्रोच ठीक करनी है, जो ये मेजर आज का जो सेमिनार है इसका पर्पस कैसे है कि हम अपनी अप्रोच को कैसे ठीक करें कि ऑडिट में भी 80+ लेकर आए। सबसे पहले ऑडिट हो, EIS हो, अकाउंट्स हो, FMA को, डोंट डिफरेंशिएट द सब्जेक्ट्स। ईच सब्जेक्ट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। आपको सभी सब्जेक्ट को, चारों सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, तभी आप क्या करोगे 50-50 तो सब में ले ही आओगे। अगर आप सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे, अगर किसी का पेपर डिफिकल्ट आता है तो कोई पेपर ईजी भी आता है, तो जब आपकी अप्रोच सभी प्रोजेक्ट सभी सब्जेक्ट्स के लिए सेम होगी तो ऑब्वियसली यू कैन ईजिली ग्रुप टू इज, आई एम नॉट सेइंग कि CA इज डिफिकल्ट, इंटर एंड फाइनल एज वेल बोथ आर नॉट डिफिकल्ट इफ आवर अप्रोच इज राइट। सिर्फ गलती कहां हो जाती है, अप्रोच में। क्लियर हुई बात? अब चलते हैं कि ऑडिट को पढ़े कैसे। देखो ऑडिट हो गया, EIS हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, देखो दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक रिक्वायरमेंट होती है कंसेप्ट की, दूसरी रिक्वायरमेंट होती है राइटिंग स्किल्स की। किसकी जरूरत होती है? एक आपको, और मैं आपको समरीज भी प्रोवाइड करूंगी, मेरी काफी समरीज बनी हुई है, काफी चार्ट्स बने हुए हैं जो आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको समरी की PDFs भी प्रोवाइड हो जाएंगी, और आपको जो भी मेरी एप्लीकेबिलिटी की शीट्स हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको वो सभी शीट्स का बताऊंगी कैसे पढ़ना है और वो आपको कैसे हेल्पफुल प्रोवाइड करेंगे। अब देखो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको क्लियर करने के लिए दो जरूरत होती है। एक होती है किसकी? कंसेप्ट क्लैरिटी, और दूसरा आपके पास क्या होनी चाहिए? राइटिंग स्किल्स। देखो कंसेप्ट क्लैरिटी, व्हाई कंसेप्ट क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट क्लैरिटी क्यों जरूरी है? आज की डेट में वही कहना, क्वेश्चन इज आस्क्ड इन डिटेल यू मस्ट, मतलब क्वेश्चन इज आस्क्ड इन डिटेल यू मस्ट नो इन डिटेल। एंड हाउ यू वुड बी नोइंग इन डिटेल? इफ यू अंडरस्टैंड द concepts, if you understand the concept, MCQ, integrated case studies, और specially for CA inter के लिए audit में आपके correct incorrect questions भी आते हैं 14 marks के, तो आपका 44 marks का question तो किसमें आ जाते हैं? MCQ और आपके correct incorrect। तो अगर आपके concepts clear नहीं है you can never attempt MCQ। चाहे आप 5000 MCQ learn करके चले जाओ, सर ने भी कहा है, वो कोई आपके काम आने वाले नहीं है। तो आपके सबसे पहले कंसेप्ट क्या होने चाहिए? क्लियर। आपने सुना वो नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर नींव मजबूत है, बिल्डिंग को जितना मर्जी ऊपर तक खड़ा कर लो, वो बिल्डिंग नहीं गिरेगी। और नींव मजबूत होना इज द कंसेप्ट बिल्डिंग, नींव मजबूत होना इज द कंसेप्ट बिल्डिंग। तो अगर आप डेस्टिनेशन जितनी मर्जी ऊपर तक बिल्डिंग कर लो, आप चाहे 80+ का टारगेट रख लो, और ऑडिट में तो स्पेसिफिकली आई एम सेइंग 60+ इज अ वेरी इजी टारगेट, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टारगेट, इट इज अ वेरी इजी टारगेट, बट वट इज द वीक फाउंडेशन। मतलब हमारे, हम कहते हैं हमें कंसेप्ट समझ आ गया, बट क्या आपको इतनी डिटेल में समझ आया कि आप ICAI के आंसर्स को लिख पाओगे? तो आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी इज मच 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 इंपॉर्टेंट। अब वो कंसेप्ट क्लियर होंगे कैसे? देखो अगर आप किसी फैकल्टी से क्लास ले चुके हो तो ऑब्वियसली उस फैकल्टी ने आपको बेस्ट दिया होगा फॉर द कंसेप्ट क्लैरिटी, वो फैकल्टी ने आपको पढ़ाया अच्छे से होगा। देखो टीचर का काम होता है रूट शो करना, टीचर तो क्या डाल देता है? रूट डाल देता है। लेकिन अब देखो अगर आप पेनड्राइव स्टूडेंट, स्पेसिफिकली मैं पेनड्राइव स्टूडेंट्स के लिए ये बात करती हूं, ऐसे पढ़ने बैठते हो आप, देखो फॉर एन एग्जाम्पल आप क्लास लगा रहे हो, आपकी पोजीशन होती है, आप ऐसे बेड पे बैठे होते हो, थोड़ी देर बाद क्लास को करते हो पोज और आपकी पोजीशन ऐसे चेंज हो जाती है। किनके साथ ऐसा होता है? 2 घंटे की क्लास के बाद होता है कईयों के साथ। आपका इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, जैसा आपको बैठ के पढ़ना। देखो एक इन्वायरमेंट प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल। जब तक आप इन्वायरमेंट सही में नहीं है ना, कभी भी क्लास लगा लो, टीचर तो दे रहा है बेस्ट, आप फिर कहोगे कि इस टीचर ने पढ़ाया था, पास नहीं हुए। आप में कहां वीकनेस है? पहले तो आप ये देखो ना कि आपने उस क्लास को अटेंटिवली लगाया था नहीं। आपकी अटेंटिवनेस होती नहीं, क्या होता है थोड़ी देर बाद ऐसे फिर क्लास को बैक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद ही अटेंटिव नहीं हो। एक क्लास लगाई, 4 दिन फिर उस पेन ड्राइव को देखा ही नहीं, फिर 5वें दिन क्लास लगाई और पहले वाला भूल चुके हो, रिवाइज किया नहीं। होता ही ऐसा नहीं होता, कहां कमी थी? खुद में। ब्लेम करते हैं क्योंकि दूसरों में कमियां निकालना
आसान होता है। तो खुद में पहले ठीक करो कि क्लास को अटेंटिवली लगाना है, रेगुलर लगाना है, एक टाइम स्लॉट डिसाइड कर लो कि हमें ऑडिट ईआईएस जो भी सब्जेक्ट अकाउंट्स इस टाइम अकाउंट्स की क्लास लगानी है, इस टाइम ईआईएस की क्लास लगानी है, इस टाइम ऑडिट की लगानी है और इस टाइम हमें एफएमईको की लगानी है। तो आपको टाइम स्लॉट देखो, एआरटी बच्चे में क्या चाहिए, स्टूडेंट्स में क्या चाहिए, आर्ट, क्या चाहिए आर्ट, मेरे पीछे पीछे बोलो क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, ए से अटेंटिवनेस, जब क्लास लगाओ अटेंटिव, रेगुलरिटी एंड टाइम डेफिनेशन कि हाँ इस टाइम पे क्लास लगानी है। तो आपका माइंड ना, एक और चीज है, माइंड ना गलत इंस्ट्रक्शंस को बहुत जल्दी लेता है और राइट इंस्ट्रक्शन को जल्दी आपने माइंड में डाल दिया ना, ऑडिट डिफिकल्ट है, इजी भी लगेगी ना, माइंड क्या लेगा, डिफिकल्ट डिफिकल्ट डिफिकल्ट, क्योंकि इसको क्या दी है, रॉन्ग इंस्ट्रक्शन। अगर आपने उसको टाइम के इंस्ट्रक्शन डाल दी ना कि हमें 2 बजे आपको भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा होता ही नहीं होता, 2 से 2:30 बजे भूख लगनी, क्यों, हमारे माइंड में इंस्ट्रक्शन है कि खाने का टाइम है, तो आपको क्या लगनी स्टार्ट हो जाएगी, अपने आप भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर माइंड को इंस्ट्रक्शन दे दी ना इतने बजे क्लास लगानी है और आज एक क्लास लगानी लगानी है, तो आपको माइंड वो इंस्ट्रक्शन, वो माइंड आपको जरूर बोलेगा टाइम हो गया क्लास का, अब वो आप पे डिपेंड है कि आप लगा रहे हैं। तो माइंड को हमेशा क्या दो, राइट इंस्ट्रक्शन क्या दो। अब पहले ही टारगेट बना लिया, ऑडिट में तो 40 लाने हैं, ईआईएसएम में तो 40 लाने हैं, माइंड तो पहले ही ले चुके हैं, लाने कितने हैं 40, फिर कोई डिफिकल्ट टॉपिक में छोड़ना, 40 तो लाने हैं। पहले दो कि हमारा ही डेस्टिनेशन, हमारा गोल है, हमें सभी सब्जेक्ट में एग्जम्पशन लेकर आनी है, हमें सभी सब्जेक्ट में क्या लेकर आनी है, जब तक ये टारगेट नहीं है ग्रुप नहीं क्लियर होगा, फिर लगेंगे अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स। तो सबसे पहले तो गोल सही सेट करो, माइंड को राइट इंस्ट्रक्शन दो, और क्लास लगाते समय आपके अंदर आर्ट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, दोबारा से, ए से, आर से और टी से, स्पेसिफिकली चलो इंटर वाले भी है, फाइनल वालों के लिए तो और ज्यादा, बट फाइनल में कई बच्चे होते हैं जिनको इंटर में झटके नहीं लगते, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाते हैं, तो उनको तो थोड़ा इस चीज पे ध्यान देना आर्ट पे, जिनके 1-2 अटेम्प्ट लग जाते हैं तो वो पहले ही आर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर पहले ही आ जाती है इतना भी हाँ हमें अटेंटिवली क्लास लगानी है, क्योंकि टाइम इज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो उनका टाइम बीत चुका है। देखो वही बात बोलते हैं कि अगर इंटर में 2 अटेम्प्ट ज्यादा लग जाते हैं ना, तो फाइनल में हमारे पास क्या हो जाता है, प्रेशर हो जाता है कि हमें फाइनल को जल्दी क्लियर करना है, होता ही ऐसा नहीं होता। तो आप इंटर वाले स्टूडेंट स्पेसिफिकली अभी से ही अटेंटिव हो जाओ और कंसेप्ट बिल्डिंग को क्या करो, स्ट्रॉन्ग करो। एक इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जब आप अपनी क्लास लगाओ आपका फोन आपके पास नहीं होना चाहिए, शैलेंद्र इसकी चार्जिंग नहीं हो रही, आप फोन आपके पास नहीं होना चाहिए, होगी चार्ज, फोन आपके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि फोन होगा तो आप जरूर देखोगे, और अगर 2 मिनट देख लिया ना तो फिर सोचेंगे चल 5 मिनट और देख लेते हैं। तो प्लीज जब भी क्लास लगाओ, जब भी पढ़ो, डिसाइड कर लो कि हाँ देखो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर जाना मैं ये नहीं कह रही, बट एक टाइम स्लॉट फिक्स करो कि ये टाइम हमारा पढ़ने का, तो इस टाइम हम सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। देखो सक्सेस जो फेलियर्स आते हैं और साथ में आपको सैक्रिफाइसेस, सक्सेस इज इक्वल टू सैक्रिफाइस, सक्सेस तभी मिलेगी अगर हम क्या करेंगे, अब हमारा टाइम क्या करने का है, सैक्रिफाइस, अब सैक्रिफाइस करेंगे तो सक्सेस आपको डेफिनेट आएगी, लेकिन अगर अब सैक्रिफाइस नहीं करेंगे ना तो सक्सेस भी नहीं आएगी। पेरेंट्स आपको हाथ में खाना दे रहे हैं, पेरेंट्स आपके साथ फुल कोऑपरेट कर रहे हैं, क्या सैक्रिफाइस, पढ़ना सैक्रिफाइस, देखो वैसे मैं क्या बोल रही हूं, सैक्रिफाइस क्या करना, फोन सैक्रिफाइस क्या करना, पढ़ना है, बताओ ये कोई सैक्रिफाइस है देखा जाए तो। तो देखो आपको सैक्रिफाइस अभी से करने शुरू करने पड़ेंगे, और इस बार अटेम्प्ट किन के, जिनका इसी अटेम्प्ट में एग्जाम है, देखो कहते हैं ना अभी चिड़िया खेत चुग के नहीं गई, वी हैव द टाइम, यू हैव टू यूटिलाइज, प्रिपेयर ए स्केड्यूल, आपको एक स्केड्यूल बनाना है और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ट्रैक से उतरना बहुत आसान है, ट्रैक पर वापिस चलना मुश्किल है, लेकिन अब अगर आप ट्रैक से उतर चुके, भूल जाओ, कोई भी एक भी मिनट आपने वेस्ट नहीं करना, एक स्केड्यूल बनाओ और आप अपना पढ़ना बिगिन करो। और कंसेप्ट क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, इस पे थे हम, तो आपको अब कंसेप्ट के लिए जब आप पढ़ोगे, कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगी वो आपको हाईलाइट करवाती होगी, करवाते हैं हाईलाइट टीचर्स, डू नॉट हाईलाइट एवरीथिंग, हाईलाइट द ओनली कीवर्ड्स, हाईलाइट द ओनली
कीवर्ड्स, आपको सिर्फ क्या हाईलाइट करने हैं, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। अब देखो जब आप पढ़ते हो ना, दो टाइप के टॉपिक्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रही हूं, इस बात को ध्यान से सुनना। देखो जब आप पढ़ते हो ना, दो टाइप के टॉपिक्स होते हैं, एक होता है पहली बार में ही समझ आ गया, एक टॉपिक होता है जो, और एक टॉपिक होता है कि हमें लगता है कि हम भूलने वाले हैं। कई बार टीचर्स भी क्लास में बता देते हैं और नहीं तो आपको खुद पता चल जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक टॉपिक है आपका चैप्टर फोर में, मुझे चैप्टर फोर के भी ज्यादा टॉपिक्स याद है क्योंकि अभी मैं चैप्टर फोर ही पढ़ा रही थी, अपने लेक्चर्स चल रहे हैं हमारे। एक टॉपिक है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होते हैं बच्चों को पता है, लेकिन उसमें ना एक टॉपिक है डेविएशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड कंट्रोल। क्या है? डेविएशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड कंट्रोल, इंपॉर्टेंट भी है और ये क्या है, भूलने वाला टॉपिक है। ये क्या है? भूलने वाला टॉपिक। तो जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ो ना, आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स को तो क्या करना है, हाईलाइट करना है, जो कीवर्ड्स हैं उन्हें क्या करना है, हाईलाइट करना है। और जो भूलने वाले टॉपिक्स है, चाहे फाइनल पढ़ रहे हो, चाहे आप इंटर पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो भूलने वाले टॉपिक है ना, कोई सिंबल बना लो। जैसे मैंने तो क्लास में एक ना ये बनाती हूँ बल्ब, क्यों बल्ब बनाती हूँ कि दिमाग की बत्ती जगा लो, ये कोई टॉपिक क्या है, भूलने वाला है। तो आपको एक सिंबल कोई भी डिसाइड करना है, वो सिंबल उस टाइम ही यूज कर लो कि ये टॉपिक कौन सा है, भूलने वाला। जब सेकंड रिवीजन करोगे ना, प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट, आज भी पूछूंगी सबको बताऊंगा कि ये प्रिंसिपल एस्पेक्ट है, इसके पॉइंट्स हमें आते हैं। मेथड टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस आपसे पूछूंगी, फटाफट बता दोगे मेथड टू कलेक्ट। इंटर के स्टूडेंट से पूछती बताओ डेविएशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड कंट्रोल, नहीं आएगा याद, क्योंकि ये कौन सा टॉपिक है, भूलने वाला। एक सिंबल आपको क्या करना है, डिसाइड करना है एज ऑन यूर सिंबल जो है कि ये मेरा कौन सा टॉपिक है, भूलने वाला। सेकंड रिवीजन करोगे उसको दो बार पढ़ो, थर्ड रिवीजन पे उसको एक बार में याद आ जाएगा क्योंकि आपने उसको स्पेसिफिक अपनी अटेंशन दे दी कि ये टॉपिक कौन सा है, भूलने वाला। और ये कभी भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ो, क्वेश्चन को बाइफ्रिगेट करो, ये टॉपिक याद आ जाएगा, एक ही बार पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा, लेकिन ये टॉपिक भूलने वाला है, उसको आप शुरू से ही क्या दे दो, एक अलग मार्क देना स्टार्ट कर दो। उसके बाद जब क्वेश्चन आंसर्स रीड करते हो, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट आते हैं, देखते ही समझ आ जाता है कि ये क्वेश्चन हमें समझ आ गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केस स्टडी कह लो या जो हमें लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए एक्स लेकिन आंसर है वाई, होता है ऐसा या नहीं होता? पढ़ते हो तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली समझ आ जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली समझ, जो क्वेश्चन डायरेक्टली समझ नहीं आते उनको भी आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। क्योंकि जब आप सेकंड रिवीजन करोगे, थर्ड रिवीजन करोगे, अब फॉर एन एग्जांपल अगर आप कंपनी जब ले लो, कंपनी जब के क्वेश्चन करते हो, देर आर अप्रोक्स 100 क्वेश्चन, तो आप सेकंड थर्ड रिवीजन करोगे तो 100 क्वेश्चन को तो रीड नहीं कर पाओगे, टाइम कॉन्स्ट्रेंट भी होता है, एग्जाम से वन डे पहले रिविजन करोगे, तो कौन से क्वेश्चन बहुत टिपिकल है जो मुझे एक बार रीड करके जाने है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शुरू से ही हाईलाइट करना स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर पहली बार से जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तब हाईलाइट नहीं किया तो आप उसको बाद में याद नहीं रहेंगे। तो जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हो भूलने वाले टॉपिक और जिसका आंसर होना चाहिए एक्स, आपको लग रहा है आंसर है वाई, उसको शुरू से ही करना क्या स्टार्ट कर दो, हाईलाइट। क्लियर हो गई ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी सिंबल बनाओ और इसको हाईलाइट करना स्टार्ट कर दो। तो आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। एंड डू नॉट हाईलाइट ईच एंड एवरीथिंग, वो आपको देखना है कि कौन से वर्ड्स क्या है, वो टीचर क्लास में बताता है कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसे आपको हाईलाइट कर लेना चाहिए। हाईलाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब आती है बात आपकी राइटिंग स्किल्स की। देखो कंसेप्ट क्लैरिटी कैसे होगी, अगर आप क्लास लगा रहे हो तो क्लास, अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो मॉड्यूल को बहुत अच्छे से पढ़ो। और देखो क्या होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, मॉड्यूल में आप देखोगे टेक्स्ट ऐसे है, पढ़ने का ही दिल नहीं करता, लेकिन अब तो आईसीआई काफी अपडेटेड है, उसने मॉड्यूल को चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की, काफी कलर्ड और काफी अच्छा मॉड्यूल आईसीआई ने बना दिया है। लेकिन कई बार ना टेक्स्ट बहुत बड़ा होता है, ठीक है, जो इस बार अटेम्प्ट के लिए क्लास जो अभी एग्जाम्स दे रहे हैं, अब इनके लिए क्लास लेना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम कॉन्स्ट्रेंट भी है। तो कोई टॉपिक अगर बहुत बड़ा है तो आपको क्या करना है, उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में ब्रेक करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन करवा रही हूं क्लास में, तो वो क्या है, इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट, अगर उसकी आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना, इट इज ऑफ 6 लाइन्स और इतनी बड़ी लगती है कि कभी याद नहीं होगी। तो आप क्या करो, उस डेफिनेशन को छोटे छोटे पॉइंट्स में ब्रेक करो। कैसे ब्रेक किया जाता है, फॉर एन एग्जांपल, हर डेफिनेशन किससे बनती है, क्या और क्यों से, पहले बताओ कि इंटरनल ऑडिट क्या है। तो वहां क्या लिखा हुआ है, इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन, क्या है,
इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन जो क्या करता है, अप्रेजल करता है, जो क्या करता है, अप्रेजल करता है। तो आपको क्या लिखना है, कॉन्टिन्यूस एंड क्रिटिकल अप्रेजल। क्या करता है, कॉन्टिन्यूस एंड क्रिटिकल अप्रेजल। और जिसमें वो क्या देखता है, फंक्शनिंग ऑफ एंटिटी। क्या देखता है, फंक्शनिंग ऑफ एंटिटी। अब फंक्शनिंग ऑफ एंटिटी देखने के बाद वो क्या बताता है, इंप्रूवमेंट्स। क्या बताता है, सजेस्ट करता है इंप्रूवमेंट्स। और वो स्ट्रेंथन करता है GRI, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो आपने इतनी बड़ी डेफिनेशन को उसको कैसे ब्रेक कर दिया, और जब आप पढ़ोगे तो ये डेफिनेशन आपको हार्डली 2-3 मिनट में क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। और देखो मैं आपको दिखाती हूँ हम कैसे करते हैं। जैसे मैं तो अपनी नॉर्मल क्लास में तो मैं आपको यही कह रही थी कि मैं आपको इस टाइप के चार्ट्स प्रोवाइड कर दूंगी। देखो हम क्या करते हैं, जैसे पूरी समरी बना देते हैं, एक सेकेंड, चैप्टर्स की बच्चों को क्या प्रोवाइड कर देते हैं, समरीज की। क्या होता है, जिससे लास्ट डे रिवीजन में बहुत हेल्प होती है। फॉर एन एग्जांपल देखो, जैसे मैंने ये एस्से की कोई समरी बनाई हुई है, ये क्या है, एक टॉपिक है, ये उस टॉपिक की क्या बना दी, समरी बना दी। अब ये इनहेरेंट लिमिटेशन की डेफिनेशन है, ये बहुत बड़ी है। अब मैंने इसको देखो कैसे ब्रेक कर दिया, द ससेप्टेबिलिटी। किसकी ससेप्टेबिलिटी, अजर्शन की, अबाउट इन तीन बातों के, कि मिसस्टेटमेंट ये मटीरियल हो सकते हैं। तो अगर आप कोई भी डेफिनेशन को, कोई भी बड़े टॉपिक को छोटे छोटे पॉइंट्स में क्या कर लोगे, ब्रेक। और कभी भी देखो एक और चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट थी बतानी, आप क्या करते हो, आप देखो फॉर एन एग्जांपल मुझे अपने लड़के को ना आर्चरी गेम में डालना है, मैं उसको रोज आर्चरी दिखा रही हूं, बेटा ये देखो ये आर्चरी है, ये देखो बेटा ये आर्चरी है, वो भी कहेगा हां मम्मी ये आर्चरी है, और फिर उसको ग्राउंड में खड़ा कर दिया, चल बेटा खेल आर्चरी। क्या वो खेल पाएगा, नहीं खेल पाएगा। स्विमिंग पूल मुझे क्या कहते हैं, स्विमिंग सीखनी है, मैं एक ट्रेनर के पास गई, ट्रेनर मुझे रोज स्विमिंग सिखा रहा है, स्विमिंग ऐसी होती है, स्विमिंग ऐसी होती है, जब तक मैं स्विमिंग पूल में नहीं जाऊंगी तो स्विमिंग नहीं आएगी। आर्चरी जब तक खुद नहीं खेलेंगी तो आर्चरी सीधा ग्राउंड में चले गए। रोज बुक को कैसे पढ़ रहे हो, ऐसे ये लो जी बुक पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं हमें, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। जब तक क्वेश्चन को लिखोगे नहीं, आप पेपर में नहीं लिख पाओगे। हमने तो सारे क्वेश्चन पढ़े थे फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आए, कमी कहाँ थी, आपने क्या नहीं की थी, राइटिंग प्रैक्टिस। ऑडिट पढ़ते हैं जी, नींद आती है, नींद क्यों आती है, कभी हाथ में नोटबुक उठाइए, बुक उठाकर बैठ गए पढ़ रहे हैं जी, समझ आ रहा है। जब तक लिखोगे नहीं, आप मानोगे हम नहीं, अब तो हम तो चार्टर्ड हमने तो पेपर भी नहीं देना, फिर भी इतना लिखते हैं ना, जब कंसेप्ट पढ़ते हैं इतना लिखते हैं, आप मानोगे ये सारा मैंने खुद लिखती हूँ। क्यों लिखती हूँ, एक तो मुझे याद हो जाता है, आपको अगर मैम आपको तो जैसे आप कोई भी टीचर से क्लास लेते होगे आपको लगता है टीचर को तो याद है, इनको कैसे इतना याद हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। हम सारा दिन क्या करते हैं, हर टीचर हर फैकल्टी क्या करती है, तो लिखने की इंपॉर्टेंस इतनी है ना, एक बार लिख लोगे वो आपको हमेशा के लिए तो नहीं कह सकती, बता पेपर तक के लिए तो याद हो जाएगा। तो कभी भी लिखो नींद भी नहीं आएगी, जब लिखोगे नींद कहां से आएगी, मैं आप खुद बताती हूं, जब मैं कंसेप्ट पढ़ रही होती है ना, मुझे भी कई बार थोड़ी सी नींद आनी, मैं क्या करती हूँ उसके चार्ट्स बनाना शुरू कर देती, चार्ट्स बनाना शुरू कर देती तो अपने आप नींद चली जाती है। तो आप भी क्या करो, जैसे ही थोड़ी सी नींद आनी स्टार्ट हो क्या करो, या तो कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट डालो, और साथ में ऑडिट कर रहे हो तो उसकी समरी सी बनानी स्टार्ट कर दो। फॉर एन एग्जांपल कि हमने कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल का टॉपिक पढ़ना है, तो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल, देखो चार्ट्स देखो कैसे, फॉर एन एग्जांपल हर एसे का ना फ्लो होता है कि देखो एक 210 एसे 210 इतने पेज का एसे है, ये चार्ट्स का फ्लो, हर एसे का फ्लो होता है। आप फ्लो से बनाओगे ना तो आपको वो परमानेंट माइंड में क्या हो जाता है, रिटेन हो जाता है। खुद लिखोगे ना तो नींद आएगी और इंटरेस्ट भी आपका उस सब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा। और राइटिंग स्किल्स के लिए आपको कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, एक तो आपको स्टडी मटेरियल के सभी क्वेश्चंस पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, स्टडी मटेरियल के। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, एक और बात सुनना, ऑडिट में स्पेसिफिकली, ऑडिट में ना आपके 70% जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो क्या होते हैं, रिपीट। जो क्वेश्चंस आपके आरटीपीज में है, स्टडी मटेरियल में है, मॉक टेस्ट पेपर्स में है, आपके पास्ट ईयर एग्जामिनेशंस में है, 70% क्वेश्चन इंटर में तो क्या होते हैं, रिपीट। और 30% कौन से क्वेश्चंस आते हैं, न्यू क्वेश्चन। आपको 70 मार्क्स का तो पेपर पता है कि ये आने वह इनमें से आने वाला है, तो आपको कौन से क्वेश्चंस करने ही करने हैं, स्टडी
मटेरियल के क्वेश्चंस करने ही करने, आरटीपी के क्वेश्चंस करने ही करने हैं। पास्ट ईयर एग्जामिनेशन लास्ट तीन अटेम्प्ट के एग्जामिनेशंस को छोड़कर, लास्ट तीन सजेस्टेड आंसर्स को छोड़कर आपको बैक के सारे सजेस्टेड आंसर्स को गो थ्रू करना है। क्या करना है? मस्ट चाहिए तो, और ये नहीं कि पढ़ना है, डेली एक क्वेश्चन, दोबारा से डेली एक क्वेश्चन की क्या करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस। नहीं तो क्या होगा, पेपर आ जाएगा, क्वेश्चन भी समझ आएगा, लेकिन जब आंसर शीट पे लिख रहे होगे तो हाथ वही रुक जाएगा। जब तक क्या नहीं होगी, राइटिंग प्रैक्टिस। तो एक क्वेश्चन, क्या बहुत ज्यादा क्वेश्चन बोल रही हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन की आपको क्या करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस। और एक इंटर वालों के लिए स्पेसिफिकली आपको एक चैप्टर है, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सुना होगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, बच्चे इसको उठाते ही नहीं है, नहीं उठाते। इसकी अप्रोच बताऊं क्या है, अगर पास, अगर ये चैप्टर करना है, पूरा चैप्टर कभी भी एक साथ हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। इसको क्या करो, डेली एक एक उठा लो। आज मुझे वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स करनी है, एक में बोर भी नहीं होगी, और ये चैप्टर जब तक पूरी ऑडिट होगी ना, ये चैप्टर भी अपने साथ ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पूरी ऑडिट से पहले ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ डेली क्या उठाना है, एक टॉपिक, 15 मिनट से 20 मिनट लगेंगे। हमने पहले 15 से 20 मिनट किस पे देने हैं, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ, और लास्ट में उठाओगे तो या तो छोड़ोगे, या तो 90% स्टूडेंट्स इस चैप्टर को छोड़ते हैं, छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते, सच बताना, छोड़ते हैं नहीं छोड़ते, कौन से बच्चे छोड़ के गए थे चैप्टर्स, या छोड़ते हैं, छोड़ते हैं ना। और आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक उठाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपका चैप्टर लास्ट तक ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली ना मैं एक इंपॉर्टेंट की लिस्ट भी निकालूंगी, लेकिन अभी मैं बैच में बिजी थी तो मैं इंपॉर्टेंट की लिस्ट इंटर वालों के लिए नहीं निकाल सकी, तो वो मैं निकालूंगी, बट आफ्टर मान के चलो 15-20 डेज के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट की लिस्ट मिलेगी। उसमें से मोस्ट प्रोबेबली जो आपका 88 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, तो 88 मार्क्स में से अप्रॉक्स मान के चलो 50-60 मार्क्स का उसी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में से कम पेपर मिल जाएगा। और फाइनल के लिए मैं ऐसे की लिस्ट निकालती हूँ कि एबीसी एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कि कौन से ए कैटेगरी के ऐसे हैं, कौन से बी के हैं और कौन से सी के हैं। और लास्ट डे रिवीजन के लिए भी जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो लास्ट में ही बनाऊंगी, कि आपको कैसे मतलब अप्रॉक्स 15-20 डेज बिफोर एन एग्जाम एक लास्ट डे रिविजन की स्ट्रैटेजी की भी वीडियो अवेलेबल होती है। तो आपको क्वेश्चन की डेली क्या करनी है, एक क्वेश्चन, और ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक चैप्टर, ये बिगिनिंग में आपको क्या करना है। ऑडिट शुरू होगी तो सबसे पहले एक क्वेश्चन प्रैक्टिस, और दूसरा ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्लियर ही बात। और क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस क्या है, मस्ट है। और हमारी भगवत गीता हमारे लिए क्या है, हमारा मॉड्यूल। और कहते हैं पेपर बाहर से आ गया, पेपर बाहर से नहीं आया, पेपर मॉड्यूल से ही आता है, बट हमने कभी पूरा मॉड्यूल पढ़ा ही नहीं। हमारे लिए हमारी भगवत गीता सब कुछ, हमारे लिए हमारा क्या है, मॉड्यूल। इसके बाहर से कभी पेपर नहीं आता। सब्जेक्टिव 4 मार्क्स का कभी पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए, और इंटर में तो वो भी चांसेस नहीं होते। फाइनल में होता है कि चलो 4 से 5 से 8 नंबर का पेपर बाहर से पूछ लिया जाता है। तो हमें मॉड्यूल की लैंग्वेज को लर्न करना है। आपने सुना होगा मिसस्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट की का मतलब मिस्टेक ही होता है, मिसस्टेटमेंट का मतलब गलती, मिस्टेक का मतलब गलती, मिस्टेक लिखाओगे नंबर मिलेंगे। आप कोई एमबीए का पेपर देने जा रहे हो, आप कोई बीकॉम का पेपर देने जा रहे हो, आप कौन सा पेपर देने जा रहे हो, प्रोफेशनल पेपर देने जा रहे हो। जब आपका पेपर देखा जाता है ना, वो ये नहीं देखा जाता कि आपने सही, देखो 3 आंसर होते हैं, कितने आंसर होते हैं, 3, कितने आंसर होते हैं, 3। एक तो क्वेश्चन आया, आपने लिखा आंसर, या तो वो रॉन्ग आंसर होगा, या तो वो क्या होगा, रॉन्ग आंसर होगा, या फिर वो राइट, मैंने 3 बोला, ये तो 2 ही हुए। देखो फॉर एन एग्जाम्पल, आपसे क्वेश्चन कहा कि आपको आ गया अपने ये क्या कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल टू बी पोजेस्ड बाय ऑडिटर, एथिकल रिक्वायरमेंट, सुना होगा टॉपिक। इंटीग्रिटी एक पॉइंट होता है, आप इंटीग्रिटी की जगह पर कुछ और लिखा है तो वो तो हो गया रॉन्ग आंसर, नंबर नहीं मिले। इंटीग्रिटी की जगह पर ऑनेस्टी लिखा है, इंटीग्रिटी का मतलब ईमानदार, ऑनेस्टी का मतलब नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। दिस इज राइट आंसर, मतलब तो क्या था, ठीक। अगर आप इंटीग्रिटी की जगह पर क्या लिखा है, मतलब तो क्या था, ठीक, आपकी तरफ से हमने तो सही लिखा है, आपकी तरफ से वो क्या है,
राइट आंसर, लेकिन उन्हें ये वाला आंसर नहीं चाहिए। उन्हें कौन सा आंसर चाहिए? आईसीआई आंसर। यहां ये नहीं है नंबर ऑफ शीट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मार्क्स, वो आपका बीकॉम में होता था कि नंबर ऑफ शीट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मार्क्स। यहां उन्हें क्या चाहिए? आईसीआई आंसर। देखो अब आपके पास टाइम कम है तो मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप क्लासेस पे जाओ या समथिंग लाइक दैट। अब आपको क्या करना है, नोटबुक लो, की पॉइंट्स को आप खुद लिखो, एक बार लिखो, दो बार लिखो, तीसरी बार अपने आप आपको वो पॉइंट्स याद आने स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज नाउ द टाइम इज लेस। तो आपको क्या करना है, उसको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है ताकि आप आईसीआई के आंसर्स के क्या लर्न कर सको, कीवर्ड्स लर्न कर सको। क्या लर्न कर सको? कीवर्ड्स लर्न कर सको। तो आपको इसकी क्या करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आईसीआई देखो ये क्या होता है, एग्जामिनर, जैसे सर ने बताया एग्जामिनर, और ये होता है ये आपका क्वेश्चन पेपर, ये आपका है सजेस्टेड आंसर। आईसीआई देखो एक एक सिंपल सी बात, तो क्या सेंटेंस लर्न करना पॉसिबल है? आप पूरे पूरे सेंटेंस लर्न नहीं कर सकते, मोर देन 700 पेजेस का आपका मॉड्यूल है, एक एक सेंटेंस लर्न करना पॉसिबल? इट इज इम्पॉसिबल, आई विल से इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन आपको क्या लर्न करने होते हैं, की वर्ड्स। क्या लर्न करने होते हैं? की वर्ड्स। अब की वर्ड्स, अब जो आईसीआई का सजेस्टेड आंसर के साथ एग्जामिनर क्या मैच करता है, की वर्ड्स, वो एक एक सेंटेंस मैच नहीं करता, वो क्या लर्न मैच करता है, की वर्ड्स। तो आपको की वर्ड्स को क्या करना है, लर्न करना ही करना है। अगर नंबर लेने हैं, नहीं लेने तो लिखो अपनी लैंग्वेज में दो अटेम्प्ट, नहीं तो 40 पे रुक जाओगे, ज्यादा से ज्यादा 40 आ जाएंगे अगर कीवर्ड्स लर्न करोगे, और नहीं कहोगे कि ये टॉपिक छोड़ देते हैं, छोड़ने वाला भी कुछ नहीं है। वी हैव नथिंग टू लिव इन ऑप्शन, वी हैव नथिंग टू लिव इन ऑप्शन। ये बात सर पहले ही कह चुके हैं, 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, अगर 100 में से अटेम्प्ट कितना किया, 80 का, हमने आप छोड़ दिया। मार्जिन ऑफ यूटिलिटी सुना हुआ है? देखो अगर मैं इजी लैंग्वेज याद करवाऊं, मुझे बुक में इजी लैंग्वेज होगी, बच्चा भी खुश होगा, मैडम की बुक की लैंग्वेज तो बहुत ईजी है, जल्दी समझ आ जाती है और हमें इंटरेस्टिंग भी लगती है, मजा भी आता है पढ़ने में, हो गई ऐसा नहीं। मैं इजी करवाऊंगी, आप पेपर में लिखने जाओगे उसको इतना इजी कर दोगे कि आईसीआई उसको अडॉप्ट नहीं करेगा। टफ करोगे तभी आईसीआई की, जो आईसीआई की जरूरत है उस तक पहुंच पाओगे। 100% तो करना पॉसिबल नहीं होता, मान के चलो 95% करो, 95% करोगे तभी तो कितना रिटेन कर पाओगे। अगर 80% ही करोगे तो रिटेन कितना रहेगा, पेपर में 60 का अगर अटेम्प्ट करके आओगे तो मार्क्स कितने आएंगे, 30%। सर ने तो 60 बोला, मैं ये मानती हूं जितना पेपर अटेम्प्ट करके आए ना उसका 50-55% ही आता है, क्योंकि कुछ गलत हो जाता है और कुछ हमारे ह्यूमन एरर कहते हैं ना, इंसान तो गलतियों का पुतला है, कुछ तो गलतियां फिर भी हमसे हो जाती है। तो इस चीज का भी हमें क्या लेना होता है, मार्जिन लेकर चलना होता है। परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी है, सुना एक टॉपिक परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी, वो क्या है, परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी इज देर इज ऑलवेज अ रिस्क, तो उस रिस्क से बचने के लिए हम एक लेवल सेट करते हैं परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी। तो इसलिए 100% करो तभी आप परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी वाले लेवल तक पहुंच पाओगे, मतलब आप अपने जितने आपको चाहिए आप उतने मार्क्स लेकर आ पाओगे। नथिंग टू लिव इन ऑप्शन, बिकॉज आईसीआई इज अ बोलर एंड वी आर बैट्समैन, वी डोंट नो कि कैसी बॉल आने वाली है, हमें तो रेडी होना है कि क्या बॉल आएगी हम उसको क्या कर सके, इजीली उस बॉल को टैकल कर सके। क्लियर हुई बात? तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको क्या करना है, अपना 100% कर आना है, आपको क्या कर आना है, 100% कर आना है। और अब एक बात इंपॉर्टेंट, देखो आप कहोगे कि एसए के नंबर एंड नेम लर्न करने हैं, क्या हमें कंपनीज एक्ट के सेक्शन लर्न करने हैं, क्या हमें एसए के नंबर एंड नेम्स लर्न करने हैं, क्या हमें कंपनीज एक्ट के सेक्शंस लर्न करने हैं, और क्या हमें कारों के क्लॉजेस याद करने हैं। फॉर एन एग्जांपल आप एक बात बताओ, मैं कह रही हूं कि हमारे घर कल पार्टी है, आप सब आ जाना, ठीक है, और मैंने सेकंड स्टेटमेंट बोली हमारे घर कल पार्टी है, दिलजीत दोसांझ आएगा, आ जाना, वो दिलजीत दोसांझ के वर्ड ने आप एक इंप्रेशन डाला, डाला या नहीं डाला? वैसे ही एसए नंबर, सेक्शन नंबर, कारों के क्लॉजेस एग्जामिनर पे क्या डालते हैं, इंपैक्ट डालते हैं, क्या डालते हैं, इंपैक्ट डालते हैं। और बच्चे ना एसए नंबर तो याद कर लेते हैं, मैं बोलूंगी एसए 315, बच्चे होंगे रिस्क असेसमेंट, क्या बोलेंगे, यही बोलोगे, मैं बोलूंगी एसए 315 बताओ किस पे है, आप क्या कहोगे, रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट लिख के आओगे पेपर में, क्या लिखना, आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स
एनवायरमेंट। और ये कैसे याद होगा, एक मिनट में याद नहीं हो जाएगा। एक शीट का प्रिंट निकाल लो, आईसीआई की उसी में से ही ले लो, मॉड्यूल में से। मैं ये नहीं कह रही खुद लिखोगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आईसीआई के किस में से ले लो, मटेरियल में से। जहां पढ़ते हो वहां उस शीट को लगा दो, जब टाइम मिले ऐसे नंबर और ऐसे नाम देखोगे, 15 दिन देखोगे अपने आप याद हो जाएंगे। 15 दिन देखोगे ना ऐसे के नंबर, आराम से आपको ऐसे के नाम और ऐसे के नंबर लर्न हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या बनानी पड़ेगी, एक शीट, और कहां लगानी पड़ेगी, जहां पढ़ते हो। और दूसरा, सेक्शन के सबसेक्शन नंबर देखो, हम तो क्लास में लर्न करवाते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ सेक्शन नंबर भी लर्न कर लोगे दैट इज इनफ। तो सेक्शन नंबर की भी क्या लगा लो, शीट। और बहुत नहीं है, ऑडिट में तो ज्यादा सेक्शन नहीं है, लॉ का मैं कुछ कह नहीं सकते, तो आप ऑडिट के सेक्शन को तो इजीली लर्न कर सकते हो। और अनाउंसमेंट आ चुकी है कारो की, कारो 2016 आपके ऊपर क्या है, एप्लीकेबल। तो 16 क्लॉजेज है, लगाओ शीट और रोज पढ़ो। 2 दिन छोड़ के भी पढ़ोगे ना तो भी पेपर देने तक आपको सारे ऐसे नंबर क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। और उसका एक बहुत अच्छा क्या पड़ता है एग्जामिनर पे, इंप्रेशन। तो प्लीज उसको लिखकर आना। देखो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपकी प्रेजेंटेशन देखकर भी काफी क्या हो जाता है, इंप्रेस हो जाता है। तो आपको ऐसे नंबर कंपनीज कारों के क्लॉजेस को क्या करना है, अपने एग्जाम में हो जितना पॉसिबल हो आपको इसको लर्न करना है। इसके लिए शीट आज ही बनाओगे नहीं और लगा लोगे, प्रॉमिस, ठीक है? क्योंकि इसके कंपनीज एक्ट इंटर में तो 20 मार्क्स तक का कंपनीज एक्ट पूछ लिया जाता है, और फाइनल में बिल्कुल नहीं पूछते, दिया उनको भी है लेकिन फाइनल में 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और आपके 20 मार्क्स का, मैं कहती हूँ तो बोनस है ये, तो क्या है, बोनस है बिल्कुल। और सबसे ईजी लगता होगा आपको, लगता है या नहीं लगता, सेक्शन नंबर लर्न कर लो, हो भी गए होंगे अब तो, मोस्ट प्रोबेबली हुए या नहीं हुए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपके एक क्वेश्चन आता है किसका, एप्ली एबिलिटी का। देखो ऑडिट में एब्सोल्यूट इश्योरेंस होती है 100%, रीजनेबल इश्योरेंस देते हो, एब्सोल्यूट इश्योरेंस देते हो। तो मैं भी आपको एक रीजनेबल इश्योरेंस दे रही हूं, किस बात की, कि ऑडिट में ना एक एप्लीकेबिलिटी का क्वेश्चन ना 4-5 मार्क्स का एक क्वेश्चन 99% आता है। कभी रोटेशन की एप्लीकेबिलिटी पूछ लेंगे, कभी इंटरनल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी पूछ लेंगे। तो मैं आपको कौन सी इश्योरेंस दे रही हूं, रीजनेबल इश्योरेंस, कि एक क्वेश्चन किसका आता है, एप्लीकेबिलिटी का। लेकिन जब एप्लीकेबिलिटी करते हैं तो एक होता है बोरिंग्स, आपने सुना होगा लोन और बोरिंग्स आता है कई जगह पर लोन और बोरिंग्स होता है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कई जगह पर लोन और बोरिंग्स होता है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बॉडी कॉर्पोरेट, होता ही नहीं होता। और लिमिट्स भी सब जगह पर अलग अलग होती है, और ऑडिट में ज्यादा एप्लीकेबिलिटी नहीं है, थोड़ी सी है। इसके लिए ना मैंने तो एक एप्लीकेबिलिटी चार्ट बनाया हुआ जो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन अगर आप खुद बनाओगे ना 5 नंबर कंफर्म, और एमसीक्यू भी आ जाते हैं 1-2 एप्लीकेबिलिटी पे, तो आपके 5-7 नंबर क्या हो गए। मैं आपको अपना एप्लीकेबिलिटी का चार्ट दिखाती हूँ, वो मैं आपको दूंगी, लेकिन ये मैं आपको रिक्वेस्ट कॉलो कर रही हूं कि आपको उस एप्लीकेबिलिटी के चार्ट को खुद से बनाना है। जैसे देखो रोटेशन की एप्लीकेबिलिटी, सीलिंग लिमिट की एप्लीकेबिलिटी, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की एप्लीकेबिलिटी, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी, कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी, नफरा की एप्लीकेबिलिटी आपके सिलेबस में है, ठीक है, इंटरनल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी, ऑडिट कमेटी की एप्लीकेबिलिटी, बस यही एप्लीकेबिलिटी है। 2-3 पेज पे चार्ट आ गया, रोज देखोगे एप्लीकेबिलिटी याद, 4-5 नंबर कंफर्म, क्लियर है। तो ये शीट मैं आपको दे दूंगी, बट अगर आप खुद बनाओगे ना तो आपको वो ज्यादा याद रहेगी। तो आप ये 4-5 नंबर अपने एप्लीकेबिलिटी वाले कंफर्म कर लोगे, हमें ये मार्क्स तो लेकर आने ही आने हैं। अब थोड़ा सा पेपर पे डिस्कस करें, चलो अब पेपर पे डिस्कस करते हैं, और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पढ़ना है, क्या सीक्वेंस रखना है, कितने कितने मार्क्स का टॉपिक आता है। देखो आपका पेपर कैसे आता है, आपके पेपर में 30 मार्क्स के क्या आते हैं, एमसीक्यू, जिसमें 2 क्या आती है, इंटीग्रेटेड केस स्टडीज, 2 क्या आती है, इंटीग्रेटेड केस स्टडीज। और ये कब आंसर कर पाओगे, अगर आपके क्या स्ट्रॉन्ग है, कंसेप्ट। अब जो बच्चे पढ़ चुके हैं पहले, अब वो कंसेप्ट आई थिंक सो क्लास आपने अटेंटिवली लगाई होगी, कंसेप्ट क्लियर होंगे या नहीं क्लियर, हां जी क्लियर है या नहीं क्लियर, कंसेप्ट जो पेपर देने वाले हैं वो बताओ। चलो ठीक है, इंटीग्रेटेड केस स्टडी आएंगी 2, जिसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के, 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं। ये आपका कितने का हो गया, ये आपके 20 मार्क्स के, तो क्या आते हैं, इंटीग्रेटेड केस स्टडीज आते हैं। और 10 मार्क्स के आपके क्या आते हैं, सिंगल
एमसीक्यू, क्या आते हैं? सिंगल एमसीक्यू, जो कितने के आते हैं? 2 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन, 10 मार्क्स के, ये आपके क्या आते हैं? एमसीक्यू। आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि आपके, और टाइम भी बताऊंगी कि कितने टाइम में आपको एमसीक्यू करना है और ईच डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे आपको कितना टाइम देना है। तो ये आपके कितने के हो गए? 30 मार्क्स के एमसीक्यू में से आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आप 20 to 25 के बीच में लेकर आओगे। और कितने टाइम लगाना है इस 30 एमसीक्यू उस पर, कितना? क्योंकि ऐसा भी ना हो कि पेपर रह जाए। पेपर रह गया तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम 100% अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो मार्क्स एग्जम्पशन तो नहीं आ पाएगी। और अप्रोच हमारी किसकी है? कम से कम एग्जम्पशन की। तो आपको इसको मैक्सिमम कितना टाइम देना है? 40 to 50 मिनट्स। कितने देने हैं? 42। इससे ज्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि अगर इससे ज्यादा टाइम देंगे तो हमारा डिस्क्रिप्टिव का पेपर रह जाएगा। तो 45 to 55 मैक्सिमम आप दे सकते हो। तो आपके एमसीक्यू कितने टाइम में खत्म हो जाने चाहिए? 45 to 55 मार्क्स में आपके एमसीक्यू का पार्ट खत्म हो जाना चाहिए। फिर आपका 80 मार्क्स के क्या आते हैं? डिस्क्रिप्टिव। क्या आते हैं? डिस्क्रिप्टिव, जिसमें से 14 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, कंपल्सरी क्वेश्चन 14 मार्क्स का, जिसमें से 7 into 2 के क्या होते हैं? करेक्ट और इनकरेक्ट। इसमें आपके आने चाहिए, मतलब इन दोनों में मिलाकर आपके अप्रोक्स 35 मार्क्स आ जाने चाहिए, 30 to 35 मार्क्स आपके इन दोनों में, मतलब 14 मार्क्स के करेक्ट इनकरेक्ट और 30 एमसीक्यू, 44 मार्क्स में से आपके 30 to 35 मार्क्स आ जाने चाहिए। कितने मार्क्स? 30 to 35 मार्क्स। अब बताओ आपके और कितने रिमेनिंग क्वेश्चंस आएंगे? आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे, आपके 5 आएंगे, जिसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने होंगे? 4। कितने मार्क का एक क्वेश्चन होगा? हर क्वेश्चन में कितने कितने सब पार्ट्स होते हैं? 4। आप सुनना कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस, 4 सब पार्ट ईच क्वेश्चन में इंटू 5 प्लस एक इंटरनल चॉइस भी तो आती है, 21। कितने क्वेश्चन आगे? आईसीआई के पास कितना वाइडर स्कोप है, 21 क्वेश्चन पूछ सकता है। कितने क्वेश्चन? 21 टॉपिक्स उठा सकते हैं वो। आप समझ रहे हो, पहले क्या होता था? 8-8 नंबर के क्वेश्चन आते थे। आईसीआई का स्कोप भी क्या था? छोटा, दायरा कम था, तो वो ज्यादा टॉपिक्स नहीं पूछ सकता था। अब वो कितनी कवरेज कर सकता है कि वो 21 टॉपिक्स की कवरेज कर सकता है? तो क्या कुछ छोड़ सकते हो? है कोई ऑप्शन छोड़ने का? 21 टॉपिक्स आईसीआई पूछ सकता है आपसे। कितने? 21 टॉपिक्स। तो आईसीआई का स्कोप बहुत ज्यादा क्या है? वाइडर। तो आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते, वी हैव नथिंग टू लिव इन ऑप्शन, आपको सभी टॉपिक्स को कवर ऑन करना है। और अब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, आपकी 27 स्टैंडर्ड्स है, कई कहते हैं 26 स्टैंडर्ड्स है, 27 है, एक आपका SQC 1 है प्लस आपके 26 क्या है? स्टैंडर्ड्स है। प्रोनाउंसमेंट्स के किसी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है कि प्रोनाउंसमेंट्स हमें करनी है या नहीं करनी? किसी के माइंड में क्वेश्चन होता है प्रोनाउंसमेंट्स का, जो आईसीआई के स्टडी मटीरियल पे पढ़ते हैं? कोई स्टूडेंट है जो आईसीआई के डायरेक्ट स्टडी मटीरियल से पढ़ता है? है कोई? पढ़ते हो, वहां प्रोनाउंसमेंट्स होती थी, उसके प्रति आपकी क्या अप्रोच थी बताओ? कभी पढ़ा नहीं। हाँ जी, और बताओ, किसी की कोई प्रोनाउंसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्रोनाउंसमेंट्स करनी है या नहीं करनी? प्रोनाउंसमेंट्स में है क्या ये तो बता दो। स्टैंडर्ड्स है, और आपके जो चैप्टर्स है ना, 1 to 8 chapters, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिट प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी, वहां सभी स्टैंडर्ड्स ही हैं उसमें भी। तो आपको प्रोनाउंसमेंट्स नहीं करनी होती, बिकॉज चैप्टर्स के अंदर ही उसको क्या कर दिया? इंक्लूड। जितना रेलिवेंट था वो आपके किसमें दे दिया? चैप्टर्स में। और मैंने अप्रोक्स 30 to 40 पेज की एक ऐसी की समरी बुक बनाई हुई है, वो मैं आपको दिखाती हूं। तो अगर आप वो 30-40 पेजेस कर लोगे ना, दैट इज मोर देन इनफ फॉर द स्टैंडर्ड पर्पस। अगर आप स्टैंडर्ड्स में सिर्फ वही पार्ट कर लोगे, दैट इज मोर देन इनफ। और 21 टॉपिक्स आते हैं, तो प्लीज कुछ छोड़ना आपको नहीं है। अब मेरी 2 टॉपिक्स की आपको मैं अपना नंबर देती हूं कि किसी की कोई भी क्वेरी हो। अब मैं 2 YouTube पे वीडियो डालूंगी। कितनी वीडियो? 2 वीडियो। एक डालूंगी सीक्वेंस वाइज आपको कौन से टॉपिक करने हैं, कौन सी सीक्वेंस वाइज आपको कैसे टॉपिक करने हैं, सीक्वेंस वाइज आपको कैसे टॉपिक करने हैं, एक वीडियो इस पे आएगी, प्लस टाइम
कि हर टॉपिक को कितना टाइम देना है, रिवीजन कितनी रिवीजन करनी है ऑडिट की, ऑडिट की 3 रिवीजन कर लोगे दैट इज इनफ, और हर रिवीजन पे कितना टाइम लगना चाहिए, फर्स्ट रिवीजन पे लगने चाहिए आपके 90 आवर्स, सेकंड रिवीजन पे आपके कितने लगने चाहिए 50 आवर्स, और लास्ट डे बस 2 रिवीजन, एक आपने टीचर के साथ पढ़ा, 2 बार आपको फिर क्या करनी है रिवीजन, पहली रिवीजन पे कितना टाइम लगेंगे, डेली ऑडिट को 3 घंटे देने हैं, डेली ऑडिट को 3 घंटे देने हैं, डेली ऑडिट को, तो आपके कितने दिन में, अगर आप 3 घंटे देते हो तो आपकी 1 महीने में क्या हो जाएगी, फर्स्ट रिवीजन हो जाएगी, 1 महीने में फर्स्ट रिवीजन, और फिर उसके बाद ये रिवीजन भी आप मान के चलो आप इसमें कितने डेज लगा दोगे, 20 to 25 days आप किसमें लगा देना, सेकंड रिवीजन में लगा देना, और लास्ट डे रिवीजन के लिए भी मैं आपको एक स्ट्रेटेजी दूंगी जिस, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैं आपको सीक्वेंस वाइज टॉपिक के साथ ही दे दूंगी कि इस सीक्वेंस से पढ़ना है और इसके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर दिस अटेम्प्ट, और दूसरा लास्ट डे रिवीजन के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसकी भी आपको यूट्यूब पे क्या मिल जाएगी, वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, और ये है आपकी एसे की समरी बुक, इट इज अप्रोक्स ऑफ 40 to 45 pages, अगर आपने सिर्फ यही बुक कर ली दैट इज मोर देन इनफ, चाहे फाइनल चाहे इंटर, तो अगर आप ये भी कर लोगे तो आपको स्टैंडर्ड्स के लिए ये क्या होगा मोर देन इनफ। अब आपकी कोई क्वेरी है तो पूछिए प्लीज, ऑडिट के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पूछो। हां जी कोई क्वेरी, इसको बोला जाता है जो अब कम्युनिकेशन चल रहा है, कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, क्लोज कम्युनिकेशन, क्या बोलते हैं, अब मैंने आपको ओपन कम्युनिकेशन के लिए बोला है कि पूछो कुछ, हाँ जी पूछ लो कोई क्वेरी ऑडिट की है, ऑडिट में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ऑडिट से बात है, कोई क्वेरी नहीं आपकी, हाँ जी कोई क्वेरी,